अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बस चेंज है कि इसमें जो नीचे फैक्टर्स गिवन है उनके ऊपर स्केयर है, तो स्केयर को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स है ना, लीनियर का मतलब होता है एक तरतीब से बढ़ना, तो डायरेक्टली हम स्केयर नहीं लिख सकते, हमने पहले उसी को सिंपल लिखना है और फिर उसका स्केयर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या है कि हमने पार्शियल फ्रिक्शंस को सेटअप कर लेते हैं, तो वो कैसे करते हैं, कॉन्स्टेंट्स हमने खुद से सपोज करने होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्केयर माइनस 3x+1 डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्केयर और x-2, ठीक है। अब यहाँ पे पहले फैक्टर के साथ स्केयर है, तो हमने उसको डायरेक्टली स्केयर नहीं लिखना, हमने पहले उसको सिंपल लिखना है x-1 को, ठीक है। और फिर हम ऐड करेंगे कॉन्स्टेंट और डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे हमने इसको स्केयर के साथ लिखना है और उसके बाद सिंपल सी कॉन्स्टेंट है और डिवाइड होगा x-2 से, ठीक हो गया। ये हमारे पास फ्रिक्शंस बन गए। देन अब हमने इसको सॉल्व करना होता है, तो वो सॉल्व कैसे करना होता है, इनमें से कॉमन जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं ना उनके साथ हमने डिवाइड मल्टीप्लाई करना होता है होल इक्वेशन को, तो कॉमन कौन से हैं, x-1 स्केयर और x-2, ठीक है। इसको हमने होल इक्वेशन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो अब तरतीब से लिख लेते हैं, जब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे तो फिर आपको ये लाइन जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली उसको उसका आंसर ही लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा ना। अभी सिर्फ समझाने के लिए ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया, और अगर आपको ये जो प्रोसेस है अगर ये डिफ़िकल्ट लगता है तो जो हम सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो करेंगे ना वो डिफरेंट तरीके से करेंगे, तो अगर आपको वो इजी लगे तो आप वो कर लेना, और अगर आपको ये इजी लग रहा है तरीका तो ये कर लेना। ये सिर्फ थोड़ा सा लेंथ ही है लेकिन आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी इससे। तो अब हमने ये सब के साथ लिख दिया, अब हमें समझ आ जाएगी कि हमारे पास जो आंसर में इक्वेशन आएगी वो कैसे आई, ठीक है। ये इससे क्रॉस हो जाएगा दोनों, सिंपल हमारे पास x² - 3x+1। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन क्यों करनी होती है, ताकि हम ये फ्रिक्शन यानी जो डिवाइड में है ना इक्वेशन उसको हम डिवाइड से ख़त्म करके सिंपल फॉर्म में लिख लें। यहाँ पे ए के साथ जो x-1 है ना और x-1² है, 2x-1² है, तो एक तो कट जाएगा लेकिन एक को हमने लिखना है ए के साथ और बी के साथ, और यहाँ पे बी के साथ जो फैक्टर है वो स्केयर स्केयर से क्रॉस हो जाएगा सिंपल x-1, और यहाँ पे सी वाला जो है वो क्रॉस हो गया, तो बाकी x-1² रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको ये लेंथी लग रहा है ना प्रोसेस, तो वो जो सेकंड क्वेश्चन की जो वीडियो है वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में किया हुआ है, तो फिर आप उस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया x-1 और x-2 को, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, x को पहले x से और -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को x और -2 से मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है, दोनों से। प्लस माइनस का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब ये दोनों एक्स है ना, और माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, तो -3x आ जाएगा, तो इसको यहीं पे सॉल्व करके डायरेक्टली लिख लेते हैं। अच्छा, इसी तरह बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे x-2 से, b2 आ जाएगा या 2b,
और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये स्क्वायर ओपन होना है। तो स्क्वायर कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x, ठीक है। अब हम a को मल्टीप्लाई कर लेंगे इनसे और c को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि ब्रैकेट्स जो है वो ओपन, मल्टीप्लिकेशन ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 ax आ जाएगा और प्लस 2a प्लस bx माइनस 2b प्लस cx स्क्वायर और प्लस c सिंपल सी और माइनस 2cx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है ना, फर्स्ट प्रोसेस क्या था, फैक्टर हमने फ्रिक्शंस बनाई, ठीक है, सेकंड में मल्टीप्लिकेशन की, और अब थर्ड जो प्रोसेस है ना, उसमें हमने एक्स स्केयर वाली वैल्यूज़ को अलग लिखना है और एक्स वाली वैल्यूज़ को अलग लिखेंगे और कॉन्स्टेंट्स को अलग लिखेंगे। अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है और सी एक्स स्क्वायर है, तो इसको कंबाइन करके लिख देते हैं, ब्रैकेट के साथ सेपरेट करेंगे, ठीक है। प्लस का साइन है सी एक्स स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद एक्स वाली वैल्यूज़ कौन सी है, माइनस 3 ax है, बी एक्स है और 2 cx है, और जैसे इनके साथ साइन लगे हुए हैं ना माइनस प्लस के, वो एज इट इज़ आप लिख लें, माइनस 2 cx, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट हमारे पास कौन से हैं, कांस्टेंट 2a 2b और c, माइनस 2b और प्लस c, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब हम कॉमन जो है ना वो अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर को अलग लिख देंगे, ए एक्स स्क्वेयर और प्लस सी एक्स स्क्वेयर है ना, इसमें से हमने एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लेना और इसमें से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे, ताकि हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स सेपरेट हो जाए और कॉन्स्टेंट्स जो कोएफिशिएंट है ना वो अलग, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम प्लस और सारी वैल्यूज सेम आएंगी, बस हमने एक्स को ब्रैकेट से बाहर लिख देना, क्योंकि सबके साथ एक्स है तो कॉमन ले लिया। ये एज इट इज आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना होता है यहाँ पे, अब हमने जो प्रोसेस है, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू राइट साइड पे कोएफिशिएंट उसका और लेफ्ट साइड पे, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप क्या है, इक्वेट्स द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर पे यहाँ लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट है ए प्लस सी है ना, इसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया इज इक्वल टू, और राइट साइड पे इसका कोएफिशिएंट तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी कि जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे फिर हम वन कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, तो हम सेकंड बना लेते हैं, एक्स की, एक्स के कोएफिशिएंट सब ब्रैकेट की वैल्यू लिख दी और लेफ्ट साइड पे कोएफिशिएंट क्या है, -3 वो लिख दिया। इसी तरह कांस्टेंट के बराबर में कांस्टेंट लिख देंगे, कांस्टेंट -2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, ठीक है, कांस्टेंट 1। अब हमने इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, और ए बी और सी, अब यहाँ पे हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल को पिक करते हैं, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 1 है ना, तो इसको लिख लेते हैं, सी को हम लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं और ए को राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो -1। अब यहाँ पे सी की जो है वो वैल्यू आ गई है, ठीक है, 1 माइनस ए,
अब हम इसको सेकंड और थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, -3a +b -2c इज इक्वल टू -3। अच्छा, अब इसमें हम c को की वैल्यू को पुट करते हैं, जो भी फ़र्ज़ की है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये, c की जगह पे क्या आएगा, 1 - a। अब हम 2 को -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू -3। अच्छा, अब a वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर दिया, प्लस माइनस 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 का ये हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है ना, और b और 2 को जो है वो एज इट इज़ लिखते हैं, 2 को जो राइट साइड पे ले जाएंगे तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस 1 और माइनस, तरतीब से लिखें तो b माइनस ए लिख सकते हैं। अब b को यहीं पे रहने देते हैं, और -1 और प्लस ए, ठीक है। अब ये b की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू अब हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। आप लोगों ने तो डर जाना इतना लेंथी प्रोसेस देख के, ये सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही इस प्रोसेस। बाकी सब जो है वो सिंपल। अच्छा, अब हम बी और सी, बी की वैल्यू भी पता है और सी की वैल्यू भी पता है, तो वो फिल कर लेते हैं। अब ए को पहले लिख देते हैं, वो प्लस का है ना, -1 बाद में, और इसी तरह सी की वैल्यू क्या है, 1 - a। अच्छा, अब इसको हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a +2 1 - a इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब ए वाली वैल्यूज कौन कौन सी, ये तो आपस में क्रॉस हो जाएंगी, प्लस माइनस है ना, और ये दोनों जो हैं, -a को यहीं पे लिखते हैं और इन दोनों को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, -2 -1, ये प्लस, उसके बाद -a इज इक्वल टू -2। अब ये माइनस माइनस आपस में क्रॉस हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 आ गई, ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने a को पुट करना है बाकी b और c में, और फिर हमारे पास b और c की वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो सी पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, सी इज इक्वल टू 1 - a, और साथ ही लिख लेते हैं बी को, बी इज इक्वल टू क्या है, अब ए की वैल्यू पुट कर लेते, 2, सी इज इक्वल टू 1 - 2, ये हो जाएगा -1, और बी के साथ लिखेंगे तो -1 +2 प्लस माइनस माइनस, तो बी की वैल्यू सिंपल 1 प्लस का। अब हमने क्या करना है, जो हमने स्टार्ट में फैक्टर्स बनाए थे ना, पार्शियल फ्रिक्शंस बनाई थी, उसमें हमने ए बी सी की जगह पे इनकी वैल्यूज़ को लिखना होता है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रिक्शंस क्या होंगी, ये क्वेश्चन जो हमें गिवन था वो लिखेंगे, स्क्वायर, और ठीक है, इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं दोबारा वो लिख देती हूँ जो हमने पहले फ्रिक्शंस बनाई थी ना, ताकि आपको याद आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2, बी की जगह पे 1, 1 - x - 1² होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1 है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। -1 जब लिखेंगे तो अब ये प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारे पास सिंपल जो है वो पार्शियल फ्रिक्शंस आ गए।
गिवन क्वेश्चन के। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और उसको थोड़ा सिंपल वे में सॉल्व करेंगे।